फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज फिर से एक नए दिन की फिर से शुरुआत हो गई है और आज बच्चों ने अपना एक्टिविटी रूम बहुत ज्यादा मैसी कर रखा है और इतना गंद हो रहा है इसमें, मेरे को आज इसकी अच्छे से डस्टिंग करनी पड़ेगी। तो चलो आज मैं इनके रूम की थोड़ी सी डस्टिंग करती हूँ। और हाँ, आज मुझे ध्वनि को रैबिट भी बनाना है, उसका आज कॉम्पिटिशन है, जस्ट लाइक अ कॉम्पिटिशन। उसको रैबिट के ऊपर 2 लाइन्स बोलनी है, तो उसको रैबिट भी बनाना है, डस्टिंग भी करनी है, खाना भी बनाना है, इतना सारा काम अकेली जान पर। तो चलो लगते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या फैला के रखते हैं ये बच्चे ना। ये ध्वनि की पिक है, आपने शायद देख रखी होगी, ध्वनि मिस मदर्स प्राइड बनी थी। ये बच्चों की पिक है अपने मामा के साथ, ये मेरा ब्रदर है एंड ये ध्वनि है। ध्वनि कितनी क्यूट लग रही है और जिनी भी कितनी क्यूट लग रही है, बहुत पुरानी फोटो है। ओहो, ये बच्चे शॉर्ट्स बनाते हैं और अपना सामान सारा यहीं पे पटक देते हैं। मम्मी है ना क्लीन करने के लिए, देखो यहाँ पे ये कोट छोड़ दिया, स्टेथोस्कोप छोड़ दिया, अपना रजिस्टर है, पता नहीं क्या क्या है, शीट्स, पेन, भाई ये बच्चे भी ना। चलो मैं इनके रूम में रख कर आती हूँ और इनका रूम भी क्लीन कर कर आती हूँ, तो हम मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने क्लीनिंग कर दी है पूरे घर की एंड ध्वनि एंड जिनी अपनी क्लासेस ले रहे हैं एंड अब मैं सोच रही हूँ कुछ खाने के लिए प्रिपेयर कर दूँ और फिर मुझे रैबिट की उसकी ड्रेस एंड उसका मेकअप वेकअप करके उसे रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं खाने की प्रिपरेशन कर देती हूँ, अदरवाइज बच्चों को भूख इतनी जल्दी लगाती है वो शोर मचा देते हैं, मम्मा क्या बनाए क्या बनाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए पनीर कुलचा, उन दोनों को बहुत पसंद है। और देखते हैं पापा लंच के लिए आते हैं घर पे या ऑफिस में खाना मंगाते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी मैं अपनी पनीर कुलचा की तैयारी कर देती हूँ। कुलचे तो मेरे आ गए हैं, अब मैं टमाटर वमाटर निकाल के उसकी ग्रेवी बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पनीर कुलचा की ग्रेवी रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट और मुझे लेट भी हो रहा है, मुझे ध्वनि को रेडी करना है और जिन्हें को मैंने बुला लिया शूट करने के लिए क्योंकि इनका ब्रेक हो चुका है। तो जिन्हें चले yes. तो ध्वनि को हम रेडी करते हैं, आज बनाते हैं रैबिट। बनाना क्या है, उसके 2-3 आगे निकल जो है वो खुद ही एक रैबिट है। और तू क्या है, बिल्ली? नहीं, बिल्ली नहीं, चूहा और रैबिट। चलो 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 चलो, तो चलो ध्वनि, ब्रेक आपका भी हो गया। ये कैसे बैठी हुई हो, मतलब लैपटॉप वहाँ बेड पे, भाई कैसे छोटे बच्चों को मैनेज करते हैं उनकी मम्मियाँ। दूर से क्लास लिया करो और फिर दूर से क्लास हो तो क्या कि पास से क्लास लिया करो। चलो अब रैबिट बनो, क्लास क्लास से रैबिट बनना है आपको। चलो अपनी पेंसिल, ये मेरी फेवरेट पेंसिल है क्योंकि मैंने पेंसिल से कलर कर दिया। पेंसिल ही, पेंसिल, मैंने इसे कलर कर दिया। हाँ फ्रेंड्स, देखो कितना सारा सामान भरे रखती है अपने पाउच में। तो चलो ध्वनि पेंसिल रख ली इसमें। हाँ। चलो ध्वनि जल्दी बन जा, रैबिट क्लास का टाइम हो रहा है। वो अपने आप बन जाएगी, मेरे को बनाना पड़ेगा, हट इधर आ, जल्दी आ सा। फ्रेंड्स, ध्वनि की हरकतें देखो, ब्रेड मतलब ब्रेड बोल दिया गलती से, बेड पे खड़े हो गए। बेड पे खड़े हो गए रैबिट की तरह, और अब रैबिट वाले फॉर्म में आ गई है ना, तो अभी हम उसको पूरा कवर करते हैं। उछल कूद करता है ना रैबिट, ये भी उछल कर। हाँ हाँ, लाइन में सुनाई, हम पूरा लेंगे, ठीक है। तो चलो बनो रैबिट, पहनो इसको। क्या माते है पैन, अरे ये वाला पहनाओ। चल ये वाला पैन, पहले मैं आपके बाल कंघी कर दूंगी। इसको व्हाइट कलर भी करोगे? किसको व्हाइट? ध्वनि को। नहीं, फेस ऑलरेडी व्हाइट है। है व्हाइट है, कहाँ से व्हाइट है? किसी किसी का फेस व्हाइट होता है। ध्वनि का व्हाइट है। आओ आओ जल्दी आओ, हम पहले पोनी बनाएंगे आपके। मुझे पेट रखना है, वो भी खरगोश। ध्वनि जब मैम को सुनाओगे ना, अपने टीथ आके निकाल देना, कैसे फ्रेंड्स को दिखाओ। नहीं, टीथ टीथ जैसे करती है। बनी बनी ध्वनि, मैं बोल नहीं पाऊंगी। नहीं बोल लेगी, क्यों? बोल के दिखाए से, बोल के दिखाए से, हिंदी में बोल। कैसे बोलेगी, फिर से बोलियो। तो चलो हम ध्वनि का यहाँ पे रैबिट वाला मेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले रैबिट वाला मेकअप मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो सबसे पहले हम नोज का मेकअप करते हैं। नोज का मेकअप, ध्वनि की अब रेड रेड होगी, मुझे चढ़ा रही थी ना छुटकी वाले में, अब इसकी भी होगी। हिल मत हिल मत, वरना मैं नहीं कर पाऊंगी ध्वनि। नहीं बना, लग गया।
चल 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 दिखाइए तुम्हारी। अब इसकी मूछे बनाकर रैबिट वाली मूछे भी बनाएंगे अभी मम्मी। रैबिट की मूछ होती है फ्रेंड्स, आप खुद चुप चुप चुप। नहीं नहीं आईलाइनर दो। द्वारी द्वारी प्लीज प्लीज प्लीज। तो यहाँ पे ध्वनि को मैंने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा रैबिट बना दिया है। तो ध्वनि आपको अपनी लाइंस लर्न है, तो जल्दी से चलो और अपनी क्लास नहीं पहले आप अपनी क्लास ज्वाइन करो एंड मैं फिर आपका शूट उसमें ही ले लूंगी, ठीक है? चलो मेकअप मत खराब कर, चल जल्दी से, कितना नॉटी बच्चा है ये। चल बिल्कुल अच्छे से दिखेगा, मैं लैपटॉप लेकर आ रही हूँ। फ्रेंड्स हम लोग रेडी हैं ध्वनि के बनी मेकअप के साथ। अब मैम उसको रूम में ले रही हैं तो हम चुप हो जाते हैं, वो चुप 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 चुप। तो चलो मैं बंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स ध्वनि रेडी है अपने बनी मेकअप के साथ। ध्वनि दिखाओ अपना लुक, लुक दिखाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया है एंड मैम ने क्लास वर्क भी दिया है, तो वो अपना क्लास वर्क भी कंप्लीट कर रही है एंड रोल नंबर 16 से स्टार्ट हो गया। अब ध्वनि की टर्न आने वाली है। ध्वनि दिखाओ अपना फेस। तो ध्वनि अपना काम कर रही है। तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। सुप्रभात, मेरा नाम है ध्वनि। ध्वनि 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 पहले सेट करो कैमरा। सुप्रभात, मेरा नाम है ध्वनि। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं खरगोश के बारे में तो ऐसी चीज सुनाने जा रही हूँ जो आपको पता भी नहीं होगी। जब खरगोश पैदा होता है तो वो देख नहीं सकता। एक छोटा सा खरगोश बड़े के कुत्ते के बराबर पानी पी सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्वनि की परफॉर्मेंस हो चुकी है एंड उसकी मैम ने बोला है वेरी नाइस और मैम को बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं मार्क्स उसको कितने मिलते हैं। तो चलो बच्चे ने मेहनत तो करी है तो वो बना रखा है, लेकिन फेस पे मेकअप सिर्फ ध्वनि ने किया है तो वो डिफरेंट लुक लग रहा था, है ना मैम को वो अच्छा लगा, है ना ध्वनि? तो आर यू हैप्पी? कितने हैप्पी? तो फ्रेंड्स को बोलो, फ्रेंड्स मेरे लिए विश करो कि मैं ये विन करूं, है ना? तो चलो मैं अपने खाने में फिर से लगती हूँ। भाई टाइम हो रहा है, बच्चों की क्लास भी खत्म होने वाली है और मुझे जल्दी जल्दी खाना बना के देना है। तो चलो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे? क्लासेस खत्म होते ही तुम लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया। कैसे बना रही जिनी तू? मैं टेलर हूँ इसलिए बना रही हूँ। मैं बैलून से बना रही हूँ। बैलून से क्लोथ बना रही है। हाँ ध्वनि आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, ढंग से काट। और ध्वनि मैडम आपने लिपस्टिक क्यों नहीं रिमूव करी है? बाकी मेकअप तो रिमूव हो गया आपका, है लिपस्टिक क्यों नहीं रिमूव हुई है? लिपस्टिक अच्छी लगती है। तो चलो आप बनाओ और अगर बन जाए तो हमें भी दिखा देना। हम फ्रेंड, हाँ ठीक है ना, हम फ्रेंड्स को दिखाएंगे बनी है नहीं बनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिनी और ध्वनि की मेहनत बिल्कुल सक्सेस हो गई। जिनी की मेहनत सक्सेस हुई है। ध्वनि आप तो बहुत फेयर हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप तो, हैं? जिसने मेहनत करी उसी का नाम ले रहे हो। और पानी अगर कारपेट पे गिरा तो थप्पड़ भी लगेगा। अच्छा जिनी शो तो करो अपनी ड्रेस कैसी बनाई है आपने बैलून से। रिबन लगा रहे हो? वाओ जिनी वेरी नाइस, लगी नहीं रहा आपने बैलून से बनाई है वो। मतलब आप अच्छाई कर रहे हो या फिर? अच्छाई अच्छे सेंस में बोल रही हूँ कि वो बहुत प्रिटी लग रही है, वो बैलून नहीं लग रहा बेटा। आप हर वक्त यही क्यों सोचते हो कि मम्मी डांटेगी? ओके अच्छा ये क्या सिपर बना दिया इसने? इसमें से जूस पिएगी ध्वनि? क्या करने में लगे हुए ये दिखा। अरे वाह वेल डन वेरी नाइस, क्लैप फॉर जिनी 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 ध्वनि 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 क्लैप फॉर ध्वनि 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 ध्वनि। तो चलो अब खाना भी खा लो। मम्मी बहुत जोरों की भूख लग रही है, आप कब बनाओगे? मैं कर क्या रही हूँ, यही तो बना रही हूँ बेटा। अब मम्मी आप ये मत बोलना कि मैं तवे पे चढ़ जाऊंगा। मैं नहीं बोल रही,
अब मेरे को टाइम तो लगता है ना बेटा बनाने में, बस बन गया लो बैठो तुम लोग। इसको फ्रेंड्स पता है मम्मी पिज्जा की स्लाइसेस में कट करती है। पिज्जा कट से और इसको मैं कटोरी से ऐसे ऐसे प्रेस कर देती हूँ जिससे वो बहुत अच्छे से अंदर तक बेक हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी के हाथों में तो जादू होता है, जादू। फ्रेंड्स ये बात तो है, जो मम्मी के हाथ में मजा है ना, मतलब मम्मी के हाथ के खाने में जो मजा है ना, ये खाने में नहीं, खाने में जो मजा है ना वो बाजार के खाने में नहीं है। और सबकी मम्मी ही बहुत अच्छा खाना बनाती है तो सबको अपनी मम्मियों के हाथ का खाना खाना चाहिए, ना कि बाहर का। फ्रेंड्स कभी कभी तो अलाउड होता है, कभी कभी, लेकिन डेली नहीं। पनीर वाला पिज्जा। आओ ध्वनी मैडम क्यूरी, आ जाओ, चलो खाना खाओ, आ जाओ, आ जाओ। हेयर स्टाइल बनाना थोड़ी देर में, आ जाओ बेटा। अरे भूखी भूखी लगी होगी सुबह से, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया, क्यूरी आओ जल्दी, आओ जल्दी आओ। तो चलो बच्चों मैं इन्हें खाना खिलाती हूँ, चलो चलो बैठो। तो फ्रेंड्स अब लंच वगैरह तो सब फिनिश हो गया है और मेरे को जाना था वेन्यू डिसाइड करने मेरी किटी का। मेरी किटी थी जनवरी में, बट ड्यू टू कोविड मैंने मना कर दिया था सबको कि जनवरी में किटी नहीं होगी। और अब मेरी सारी फ्रेंड्स ने धावा बोल रखा है कि किटी कर किटी कर किटी कर, उसके लिए मुझे वेन्यू डिसाइड करने तो जाना पड़ेगा है ना। बट बच्चों की परमिशन लेना भी जरूरी है क्योंकि बच्चे नीचे टीवी देख रहे हैं और उन्हें पता लग गया मम्मी बाहर जा रही है तो पीछे 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 भाग लेंगे। बट मैं नहीं चाहती वो रोज रोज मेरे साथ कहीं बाहर जाए, तो चलो देखते हैं उनके रिएक्शन। आओ। अरे जिनी ध्वनि क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो। अच्छा एक बात कहनी थी बेटा। बोलो बेटा, तुम्हें पता है ना मेरी किटी है, मैंने जनवरी में भी नहीं की थी, मुझे करना ही पड़ेगा, आंटी ने हल्ला बोल रखा है ना, तो मैं वेन्यू देखने चली जाऊँ बेटा? हमें भी देखने चलो मम्मी, हमें भी लेके चलो, हर बार आप चली जाती हो, हमें भी जाना है। नहीं बेटा सुनो मेरी बात, बाहर बहुत ठंड है और आपको तो जिनी बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि आपकी स्टडीज इफेक्ट होंगी। अब रोज रोज हम बाहर जाएंगे, आपके एग्जाम्स भी है ना बेटा, तो आप पढ़ाई करो, और आपके भी एग्जाम्स है मैडम, आप भी पढ़ाई करो। नहीं बेटा रोज रोज आपको थोड़ी ना लेके जाऊंगी, मैं ज्योति आंटी के साथ जा रही हूँ, मैं जरा अपना वेन्यू डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, पर अगर आप मार्केट जा ही रहे हो तो हम दोनों के लिए चॉकलेट भी आना। बेटा चॉकलेट तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपने ध्वनि के टीथ का हाल नहीं देखा, और रोज रोज चॉकलेट खाओगे तो टीथ में कितनी कैविटी लग जाएगी और ज्यादा। मम्मी फिर क्या लाओगे आप हमारे लिए? भाव सारे ठंडे ठंडे हो आपकी आज्ञा हो तो मैडम क्यूरी हूँ, जाऊंगी। ठीक है मम्मी, पर जल्दी आ जाना बेटा, वो तो मैं खाली वेन्यू डिसाइड करके मैं फटाफट से घर आऊंगी, ठीक है? आंटी से बात नहीं करूंगी आज, कि मेरी ध्वनि बोल रही है कि मैं आंटी से बात करने लग जाती हूँ, तो मैं आंटी से बात नहीं करूंगी, मैं जल्दी से वेन्यू डिसाइड करके आऊंगी। जल्दी हाँ, और मैं मोनिका को कॉल कर देती हूँ, तुम दोनों के पास आ जाएगी, ठीक है? तो मैं मोनिका को छोड़ के मैं जरा अपना किटी का वेन्यू डिसाइड कर आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किटी का ब्लॉग लेकर आऊँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारी डिमांड आई, तो मैं आपके लिए अपना किटी का ब्लॉग लेकर आऊंगी। तो वी होप आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा, तो इसलिए इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल क्यूट सिस्टर ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे क्या कर रहे हो, ये वाली वीडियो देखी? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।